हालांकि ससुर जी को मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि काश ससुर जी अभी हमारे साथ। पिट्टू पिट्टू हिंदी माटला क्या कह रहे हैं? हो रहा है, हमने कभी भैंसिया का दूध नहीं पिया है ना। जब से हम बड़े हुए हैं हमको याद है हमने गाय का ही दूध पिया जो कि अच्छा लगता है। लेकिन गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है बबीता हिमांशु मुरारी। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो अभी ना सुबह के 7:30 बजे हुए, नहाना धोना सब हो गया है और आज जो मेरी प्लानिंग है वो दूध लेने जाने की है। तो मैंने बैग में डब्बा रख लिया है और ना आज मेरे ससुर जी का श्राद्ध भी है, तो इसलिए ना मैंने गोग्रास भी बना के तैयार कर लिया है। तो मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ गाय या भैंस का दूध, जिसका भी दूध मिलेगा तो मैं उनको गाय या बछड़े को ये गोग्रास खिला के आऊँगी। घर पे तो श्राद्ध हो रहा है, यहाँ पे हम लोग श्राद्ध नहीं कर रहे हैं, तो मैं गोग्रास दे दूँगी गायों को। हालांकि ससुर जी को मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि काश ससुर जी अभी हमारे साथ होते, कितना अच्छा लगता। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना, तो चलो फिर अभी मैं निकलती हूँ, आज मैं जाने वाली हूँ तेलुगु एरिया में दूध लेने के लिए। मिलता है या नहीं, 7:30 हो गए हैं, चलो देखते हैं। वैसे तो 9 बजे तक मिल जाता है। मैं घर से आगे को तो आ गई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भैंस नहीं दिख रही है, देखते हैं आगे। अरे हाँ, मुझे दिख गई यहाँ पे भैंस, ना देखो वहाँ पर। तो यहाँ पे मिल रहा है दूध, भैंस का भी गाय का भी, देखते हैं किसका मिलता है अभी हमें। तो फाइनली बफेलो मिल के यहाँ पे मिल गया है भैंसे का दूध, और वो है भैंस, वो है गाय है, और यह आंटी जी जो दूध देंगी। चलो आंटी जी चलो। हिंदी माटला क्या कह रहे हैं? हिंदी का पैसा डेली देना होता है या डेली डेट लिख के महीने भर में, मंथ के एंड में ना या स्टार्टिंग में डेट लिख देंगे ना? डेट लिखे है। हाँ, तो यहाँ पे भाषा का थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी अंकल जी दूध निकाल रहे हैं और उसके बाद हम लेके जाएंगे भैंसी का दूध। बच्चिया है ये, छोटी सी बच्ची है, मैं लेके आऊँगी तेरे लिए, ठीक है कल से। भैया जी ने ताज़ा दूध निकाल दिया है और आज से मैं डेली यहाँ के दूध लेके जाऊँगी। प्योर दूध दे रहे हैं देखो। फिर से मैं आ गई हूँ, हमने ना लंच बना के कर भी लिया है लंच, और इनके दोस्त आए थे वो भी खा के चले गए हैं, और मैंने ना पोछा लगा के कपड़े यहीं पे सुखा दिए, क्योंकि बाहर जाओ फिर उसको बाहर सुखाओ, इससे अच्छा निचोड़ के अच्छे से यहीं पे सुखा दिए, अच्छे से सूख भी जाते हैं, क्योंकि हर टाइम ज़रूरत होती है तो मैं यहीं से निकाल लेती हूँ। तो आज हमने खाने में सिंपल ही बनाया था दाल चावल। तो अभी ना बज रहे हैं दिन के 3:30, हाँ ऐसे हो रहे होंगे। अभी मैं जाने वाली हूँ छत में और इंस्टाग्राम की रील्स बनाने के लिए। आप लोग में से जो भी मेरे साथ इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हैं तो मैं आईडी मेंशन कर दूँगी, आप लोग जाके जल्दी से मेरे साथ इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो, और साथ ही साथ में फेसबुक से भी जुड़ सकते हो, उसका भी लिंक मैं दे दूँगी। उसमें बबीता बिस्ट करके दो आइडिया हैं, एक फेक आइडिया है एक मेरी आइडिया है। तो मेरी आइडिया में कम फॉलोअर्स हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो वहाँ जाके, और मेरे फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद जाएंगे छत में, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। बर्तन पोछा सब कर लिया है, सारा काम हो गया घर का। चलो, लगभग 1.5 घंटा रेस्ट करने के बाद उठ गए, और आज ना कला बिल्कुल सभी का चौक हो रहा है पंखे से, और चाय बना रही हूँ उसके लिए गर्मा गर्म। और आज मैं भैंसिया का दूध लेके आई हूँ, तो उसी भैंसिया के दूध से मैं चाय बना रही हूँ। और वो भैंसी का दूध ना थोड़ा अजीब सा हो रहा है, हमने कभी भैंसिया का दूध नहीं पिया है ना। जब से हम बड़े हुए हैं हमको याद है हमने गाय का ही दूध पिया जो कि
अच्छा लगता है, लेकिन वो भैंसिया का दूध थोड़ा कम टेस्टी लग रहा है। अभी हमारा चाय बन रही है, चाय बनाती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। चलो, तो मैंने ना थोड़ा जूठा रखा हुआ है, घर पे पेटू आया, पेटू गाय। हाँ आवाज चिन्ना, आवाज चिन्ना और हमने पोटो दी जी जावा। आवाज चिन्ना आमा से मैंने थोड़ी बहुत तेलुगु सीख ली है। ओहो आवाज चिन्ना गाय देखो वो है। अम्मा उधर आ दे पहले पेटू। पिट्टू पिट्टू क्या जाग्रता जाग्रिया पिट्टू पिट्टू जा जा पिट्टू। मतलब ये ड्रामा क्या है बेबी, क्या है ये ड्रामा है, क्या है ये फालतू का। पीठ लगा के रो रही है, उठ भी नहीं रही है, आ भी नहीं रही है, बस रो रही है। हैं गुस्सा हो गई अनु, ये सोचती है ना कि ये बस यहीं पर बैठी रहे मेरी माँ और मैं खेल करूं, बस मैंने इधर से हिलना नहीं हुआ। नौटंकी कहीं की भैंसिया के दूध की चाय कैसी बनी है अपने भाई और अपने पतिदेव से पूछती हूँ। भाई भैंसिया के दूध की चाय कैसी बनी है, जोर से बोल। बढ़िया। जोर से बुलाना पड़ता है, सुनते हो। ये भैंसिया के दूध की चाय कैसी बनी थी है, ये भैंसिया के दूध की चाय कैसी बनी थी ओ बुढ़ो। ये भैंसिया के दूध की चाय कैसी बनी थी ओ बुढ़ो, चाय कैसी बनी थी। किसी के और किसी के परिदेव ऐसा करते हैं, 50 बार पूछने के बाद वो फ़ोन पे लगे, 50 बार पूछने के बाद भी नहीं आंसर दे रहे, तो बताना कमेंट में, बता दो। बचो मेरे प्रहार से। मैं कह रही हूँ कि भैंसिया के दूध की चाय कैसी बनी थी। अच्छी थी। अच्छी थी ना। और जो पैकेट वाले दूध की कल तक बन रही थी वो अच्छी थी या आज वाली अच्छी थी। दोनों अच्छी थी। बनाने के ऊपर डिपेंड करता है इनका कहने का मतलब है ना। तो भैंसिया के दूध की चाय मैं भी ट्राई करती हूँ। आज सुबह सुबह भैंसिया का दूध लेके आई थी मैं। चलो मैं तो अभी बज रहे 5:30 और मैं ना तैयार होके छत पे आ गई हूँ। मतलब तैयार तो क्या हुई हूँ, मैंने नया वाला सूट डाल लिया है। तो आप लोग के कमेंट आए थे कि ये वाला सूट आपको भी आपको पसंद आया, कोई कमेंट करे थे। तो और ये हैं सबसे ऊपर फ्लोर वाली आंटी जी, और ये ना सिर्फ 500 रुपीज़ का सूट मुझे पड़ा था। देखो आ गया नीरज, और बाकी का इंस्टाग्राम पे रील्स आप देख सकते हो ये वाली ड्रेस में। और आपको अगर मंगाना होगा ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका कोड मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से भी जाके मंगा सकते हो। तो चलो रील बनाने शुरू कर। तो रील वगैरह बना के आ गए हैं, अंधेरा तो हो ही गया था, जैसी भी बनी है मतलब कोशिश की, अब जैसी भी बनी होगी आप लोग इंस्टाग्राम में जाके देख लेना। आ चलो अब चलते हैं खाना वाना बनाते हैं, रात भी हो गई है। चलो अभी ना आंटी जी जो हमारी मकान मालकिन है वो हमको दिखे गई हैं, कड़ी लीव्स कड़ी पत्ता, जो कि आज पहली बार मैं ट्राई करने वाली हूँ। मैंने ज़िंदगी में आज तक कड़ी पत्ता का तड़का नहीं लगाया, हाँ खाया ज़रूर है लेकिन खुद से कभी नहीं लगाया। आज न्यूट्रेला की सब्ज़ी बना रही हूँ, और ये तो चले गए काम पे, तो भाई और मेरे लिए बनाएंगे हम न्यूट्रेला की सब्ज़ी। आज कड़ी पत्ता का तड़का लगेगा
और अनाया ने ना बहुत ज़्यादा आतंक मचाया है, और अनाया सुबह से लेकर रात तक बहुत ज़्यादा घपला करती है, आतंक मचाती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, और 500 लाइक्स का टारगेट मैंने रखा हुआ है जो कि पिछली वीडियो में कंप्लीट हो गया है, और अब मैं रखने वाली हूँ 600 लाइक्स का टारगेट, जो कि आप जल्दी से पूरा कर देना। तो मैं ना यहाँ पर खाना बना रही हूँ, और अनाया जी क्या गलती कर रही है देखो, ये अच्छा, अगर वो टूट गया तो, वो टूट गया थर्मस तेरे ऊपर गिर गया तो, जा इधर से, ऐसा करेगी आप तो, अनु वो सब तेरे सर में गिरेगा, सुन ले, मत कर अरे मत कर बहन, मत कर, वो तेरे सर में गिर जाएगा, मत कर उसके साथ, नहीं करो नहीं। ये ना ऐसे काम करती है, अनु प्लीज यार मत कर, मैं भी ना इसको खुली छूट दे देती हूँ कि तुझे जो करना है तू कर, और बहुत कूड़ा मचाती है ये, गंदा मचाती है बहुत ज़्यादा। ओए ये देखो इसने इतना गंदा कर दिया सारा, हाथ कपड़े सब, इस पे ना सब्जी दी, अम्मा बन रही है अम्मा, सब्जी बनाएगी, चल चलो सब्जी बनाओगे, चलो अम्मा खाएगी, गाय खाएगी इसको, अम्मा सब्जी बना रही हूँ, बोल मेरी वीडियो क्यों बना रही हूँ मम्मा, मत बनाओ। तो दोस्तों इस वक्त ना खाना पीना सब हो गया है, और बर्तन पोछा करके ना मैं फ्री हो गई हूँ, और अनाया का अलग ही ड्रामा चल रहा है। अभी 10:53 हो गए हैं, तो आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मम्मी जी से बात हुई अभी पूरे आधा घंटा, और बता रही थी कि श्राद्ध में मैंने ये बनाया था, और अभी ज़्यादा भूख भी नहीं है। तो आज ससुर जी का श्राद्ध था, जो आज श्राद्ध था ना वो तिथि वाला श्राद्ध नहीं था, तिथि वाला श्राद्ध जो है वो दसवीं को होता है, और आज वैसे वाला जो पितरों का श्राद्ध चल रहे हैं आजकल, हम बहुत ज़्यादा याद करते हैं उनको। और चलो फिर वीडियो को आज का यहीं पर एंड करते हैं, आशा करती हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहना, जुड़े रहना, राधे राधे।